हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजेंद्रोत्रा आई एस अकेडमी। माई नेम इज़ हरमिंदर सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, और इसमें हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी ये जो न्यू सीरीज़ है एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यूज़, तो इसमें हम हर बार कोई नया टॉपिक लेते हैं और उसमें से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज आज वो का हमारा देख जो टॉपिक है वो ओशन में से है, और इसमें आज हम जो इसके सब टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर्स, देन इट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर, देन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, देन सैलिनिटी इन द ओशन वाटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बोलिए है, आप। तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड, दैट इज फ्रॉम इक्वेटर्स टू पोल्स। सेकेंड स्टेटमेंट इज द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड डिक्रीजेज द टेम्परेचर। और थर्ड स्टेटमेंट है, द ओशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव लेस हीट दैन सदर्न हेमिस्फीयर। एंड फोर्थ इज गल्फ स्ट्रीम एंड लेब्राडोर करंट्स आर वार्म ओशन करंट। सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकोरेक्ट। तो गाइज, अब हमने यहाँ पर इनकोरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है, तो लेट डिस्कस ऑल द स्टेटमेंट वन बाई वन। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन लेटीट्यूड। तो गाइज, अगर हम बात करें तो इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो जो टेम्परेचर है सरफेस वाटर का वो डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि पोल्स पे टेम्परेचर कम होता है, इक्वेटर पे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो इनकोरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज होना चाहिए था, इक्वेटर टू पोल्स जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट। तो सेकेंड इज, द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड डिक्रीजेज द टेम्परेचर। तो गाइज, जैसे कि आपको पता होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो टेम्परेचर होता है ओशन सरफेस का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सदर्न हेमिस्फीयर। एंड द रीज़न फॉर दैट इज कि अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड सरफेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो अगर यहाँ पर लैंड सरफेस है तो वहाँ से हीट अप होकर वो जो एयर है जब आती है ओशन सरफेस की तरफ तो उसका वो टेम्परेचर बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। सो यहाँ पर लिखा हुआ डिक्रीज, तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज इनकोरेक्ट। तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है अब तक वो इनकोरेक्ट हो चुकी हैं। लेट्स सी द थर्ड स्टेटमेंट, द ओशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव लेस हीट देन सदर्न हेमिस्फीयर। तो अगर हम इसकी बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हीट होती है वो ज़्यादा अवेलेबल होती है एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। एंड रीजन फॉर दैट इज प्रेजेंस ऑफ मोर एरिया ऑफ लैंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो गाइज, ये स्टेटमेंट भी गलत है। और अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट देखें, गल्फ स्ट्रीम एंड लेब्राडोर करंट्स आर वार्म ओशन करंट। तो गाइज, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये वार्म करंट है, और ये जो लेब्राडोर करंट है ये कोल्ड करंट है। तो लेकिन हमने यहाँ पर दोनों को वार्म ओशन करंट लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। सो हेयर आंसर शुड बी डी, ऑल ऑफ दी अबव, बिकॉज यहाँ पर इनकोरेक्ट पूछा गया है। आंसर इज डी। तो गाइज, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर ये मेंशन करा गया है, जो एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर दिया गया है, हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस, द एवरेज टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस एंड इट ग्रेजुअली डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। ये जो मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो जैसे जैसे हम जाते हैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ, तो जो जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा तो पर लैटिट्यूड 0.5 डिग्री सेल्सियस ये जो टेम्परेचर है ये चेंज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। आपका जो एनसीईआरटी की बुक है तो उसमें देखिए चैप्टर 13 है, ये 11th की आपकी एनसीईआरटी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें चैप्टर 13 जो है ओशंस उसमें ये मेंशन है। तो ये देखिए यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वन बाय वन आप यहाँ पर इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें लैटिट्यूड में कैसे चेंज आती है, उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, विंड का उसमें क्या फंक्शन होता है, ठीक है, क्या रोल प्ले करती है विंड, तो ये सारा कुछ इसमें अवेलेबल है, आप तो इसमें देख सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद ये यहाँ पर ये भी मेंशन है कि गल्फ स्ट्रीम जो है वो वार्म करंट है और जो लेब्राडोर करंट है वो कोल्ड करंट है। सेकंड, तो चलिए क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन टेम्परेचर। तो हेयर फर्स्ट स्टेटमेंट इज, देयर इज अ यूनिफॉर्म डिक्रीज इन टेम्परेचर एज वी गो डीप इन ओशन, देन इज थर्मोक्लाइन
line is boundary where there is sharp decrease in temperature and 90% of total water is found below thermocline. तो ये जो total water है ये ocean water की बात हो रही है. तो पूछा क्या गया है, which of the above statement is are correct. तो इसमें हमने देखना है कि correct statement जो है वो कौन सी है. तो guys अब हम इसको discuss करते हैं. There is a uniform decrease in temperature as we go deep in ocean. तो guys ये जो statement है, अब यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे यूनिफॉर्म डिक्रीज लिखा हुआ है. तो यूनिफॉर्म डिक्रीज नहीं होता, एब्रप्टली वहाँ पर एकदम से डिक्रीज आता है जब वो थर्मोक्लाइन में अगर हम देखते हैं. तो उसके बाद क्या होता है कि थर्मोक्लाइन के बियॉन्ड जो टेम्परेचर है वो लगभग सेम रहता है. ओशन डेप्थ अगर हम डीपेस्ट पॉइंट तक देखें तो वहाँ तक वो जो टेम्परेचर है सेम रहता है और वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी लो भी होता है. लेकिन थर्मोक्लाइन जो रीजन होता है उसमें वो धीरे धीरे वो कम होता जाता है टेम्परेचर. ठीक है, तो थर्मोक्लाइन लाइन इज अ बाउंड्री वेयर देर इज शार्प डिक्रीज इन टेम्परेचर. दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड थर्ड स्टेटमेंट इज 90% ऑफ टोटल वाटर इज फाउंड बिलो थर्मोक्लाइन. सो गाइस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है सेकेंड एंड थर्ड. सो हेयर आंसर शुड बी बी. बी इज 2 and 3 ओनली. तो गाइस यहाँ पर बी आंसर होना चाहिए. आंसर इज बी. सो हेयर थर्मोक्लाइन को एक्सप्लेन करा गया है. ट्रांजिशन लेयर बिटवीन द वार्मर मिक्स्ड वाटर एट द सरफेस एंड कूलर डी वाटर बिलो. तो गाइस ये देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जब जो डेप्थ है ओशन की 660 feet यानी कि 200 meters बताई गई है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो हाई होता है. तो उसके बाद ये देखिए यहाँ पर डिक्रीज होना शुरू हुआ. ठीक है, डिक्रीज होना शुरू हुआ. अब इस पॉइंट के फर्दर वो और डिक्रीज नहीं होगा, यहाँ से लेके पूरी डेप्थ तक वो 4 degrees Celsius ही रहता है. यानी कि वो सिर्फ थर्मोक्लाइन रीजन में यहाँ पर कम हो रहा है, उसके बाद नहीं. आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा. देखिए इसको एपिप्लेजिक जोन कहते हैं और यहाँ पर देखिए इस रीजन में ही ये जो ग्रेजुअल डिक्रीज है यहाँ पर टेम्परेचर में होगी. तो आई होप ये डायग्राम देखकर आपको ये समझ आ गया होगा थर्मोक्लाइन. गाइज ये है आपका एनसीईआरटी में जो चैप्टर 13 में, तो इस पेज नंबर पे बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर मेंशन करा गया है. ये देखिए बाउंड्री रीजन फ्रॉम वेयर देयर इज रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोक्लाइन. ठीक है, एंड अबाउट 90% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज फाउंड बिलो द थर्मोक्लाइन. तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन टेम्परेचर ऑफ ओशन. तो यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ ओशन की हमने बात करनी है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज द टॉप लेयर ऑफ वार्म ओशनिक वाटर इज प्रेजेंट अक्रॉस ऑल लैटिट्यूड्स. देन सेकेंड इज द हाइएस्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड एट द इक्वेटर. थर्ड इज एवरेज टेम्परेचर ऑफ सरफेस ओशन वाटर इज अराउंड 27 degrees. एंड फोर्थ इज हीट इज ट्रांसमिटेड टू लोअर सेक्शन ऑफ ओशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. तो गाइस यहाँ पर पूछा क्या गया है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकोरेक्ट. अब इनमें से आपने इनकोरेक्ट देखनी है. तो लेट्स डिस्कस ऑल द स्टेटमेंट्स वन बाय वन. फर्स्ट स्टेटमेंट इज टॉप लेयर ऑफ वार्म ओशनिक वाटर इज प्रेजेंट अक्रॉस ऑल द लैटिट्यूड. तो गाइस ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है. रीजन उसका ये है कि जो टॉप लेयर होती है ओशनिक वाटर की वो सब जगह वार्म नहीं होती. कहीं पर जो कोल्ड करंट होगा अगर, तो जो सरफेस लेयर है ओशन की तो वो कोल्ड भी हो सकती है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट. सेकेंड इज द हाइएस्ट टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड एट द इक्वेटर. तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो हाइएस्ट टेम्परेचर होता है वो इक्वेटर के थोड़ा सा नॉर्थ में होता है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो अवेलेबिलिटी ऑफ सन है, जो डायरेक्ट सनलाइट है, वो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में प्रेजेंट होती है. क्योंकि वहाँ पर जब वो डायरेक्ट सनलाइट ट्रॉपिकल कैंसर से पहुँचती है तो वहाँ से वो वापस भी आती है. तो वो ज़्यादा टाइम जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इक्वेटर के नॉर्थ में. तो जो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा वो रिकॉर्ड होगा नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पे. तो ये स्टेटमेंट भी इनकोरेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट इज एवरेज टेम्परेचर ऑफ सरफेस ओशन वाटर इज अराउंड 27 degrees. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ये एक फैक्चुअल पॉइंट है तो ये बिल्कुल सही है. फोर्थ इज हीट इज ट्रांसमिटेड टू लोअर सेक्शन ऑफ ओशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. तो गाइज अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है कंडक्शन, ये गलत है. यहाँ पर कन्वेक्शन चाहिए, क्योंकि जो लोअर सेक्शन ऑफ ओशन है वहाँ पर जो हीट ट्रांसफर होती है वो कन्वेक्शन से होती है. तो गाइज अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट. तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, इनकोरेक्ट.
तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो आंसर है वो सी होना चाहिए, 1, 2 एंड 4 आर इनकोरेक्ट। तो ये देखिए गाइज, ये है आंसर सी। तो यहाँ पर बताया गया है, एक्सप्लेन करा गया है, टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर वेरीज बाय लोकेशन बोथ इन टर्म्स ऑफ लेटिट्यूड एंड डेप्थ। ओके, और इसमें और कौन सा पॉइंट है, एट हाई लेटिट्यूड ओशन वाटर रिसीव लेस सनलाइट, द पोर रिसीव ओनली 40% ऑफ द हीट दैट द इक्वेटर डज। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो इक्वेटर के नॉर्थ में टेम्परेचर हाई होगा, जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे तो वो टेम्परेचर जो है होता जाएगा। तो गाइज ये है आपका चैप्टर 13 में पेज नंबर 112। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें बिल्कुल डिस्क्राइब करा गया है, ये देखिए यहाँ पे, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द ओशन इज ऑलवेज एट द सरफेस बिकॉज दे डायरेक्टली रिसीव द हीट फ्रॉम द सन एंड इट रिजल्ट इन टू डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद द इंक्रीजिंग डेप्थ। ओके, और इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये भी पॉइंट इसमें मेंशन है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर ऑफ द ओशन इज अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो गाइज इसमें ये सभी पॉइंट्स आपको जो है वो मिल जाएंगे। ओके, तो वन बाय वन इसमें से आप देख सकते हैं सभी अपना क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट फोर हम के डिस्कस चलिए देखते हैं ये क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन सैलिनिटी ऑफ ओशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, सैलिनिटी इज कैलकुलेटेड एज अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन 10,000 ग्राम ऑफ सी वाटर। सेकेंड स्टेटमेंट इज, मैग्नीशियम क्लोराइड हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज इन ओशन सैलिनिटी। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज, लेक वैन हैज़ हाइएस्ट सैलिनिटी इन वाटर बॉडीज। एंड विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो गाइस हमने यहाँ पर देखनी कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो अब इसमें देखिए, सैलिनिटी इज कैलकुलेटेड एज अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन 10,000 ग्राम्स ऑफ सी वाटर। तो गाइज अगर आपको सैलिनिटी की डेफिनेशन पता है तो देन यू ऑल नो दैट इट इज अमाउंट ऑफ मिनरल प्रेजेंट इन दी 1,000 ग्राम्स ऑफ सी वाटर। तो यहाँ पर 10,000 नहीं, यहाँ पर 1,000 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। सेकेंड इज, मैग्नीशियम क्लोराइड हैज़ अ हाइएस्ट परसेंटेज इन ओशन सैलिनिटी। तो हमें पता है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिनरल है वो उसमें सोडियम है, तो सोडियम क्लोराइड होना चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकोरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट, लेक वैन हैज हाइएस्ट सैलिनिटी। तो गाइस हमें पता है कि ये जो लेक वैन है इसमें बहुत ज़्यादा सैलिनिटी है, मैक्सिमम सैलिनिटी इसी में प्रेजेंट है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो थर्ड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकेंड इनकोरेक्ट है। पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो हेयर आंसर शुड बी ए, 3 ओनली, आंसर इज ए। तो आंसर इज ए, तो यानी कि जो लेक वैन वाला जो पॉइंट है वो सही है, बाकी जो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट थी। तो सैलिनिटी इज द साल्टीनेस और डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्ट कंटेंट ऑफ ए बॉडी ऑफ वाटर। तो सब्सटेंसेस दैट आर डिजॉल्व इन वाटर उसको हम क्या कहेंगे, सोल्यूट, और जिसमें वो उसको डिजॉल्व करा जाता है उसको हम कहेंगे क्या, सॉल्वेंट। तो यहाँ पर ये देखिए, टिपिकल जो सी वाटर सैलिनिटी बताई गई है 35 PPT, यानी कि 35 पार्ट्स पर 1,000 है इसका मीनिंग। ये जो पीपीटी है इसका मीनिंग होता है पार्ट्स पर 1,000, यानी कि 1 kg ऑफ वाटर में, यानी कि 1,000 ग्राम्स ऑफ सी वाटर ये यहाँ पर। तो गाइस ये है पेज नंबर 112। तो ये देखिए इसमें ना आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, इट इज अ कैलकुलेटेड एज ए अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन 1,000 ग्राम्स ऑफ सी वाटर। तो इसको ऐसे डिनोट करा जाता है पीपीटी, पार्ट्स पर 1,000 में। और ये जो पॉइंट है ये देखिए, लेक वैन इन तुर्की, तो तुर्की में ये 330, यानी कि 1,000 ग्राम्स ऑफ वाटर में 330 ग्राम जो हैं वो मिनरल के हैं। तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट है, तो इसलिए यहाँ पर सैलिनिटी जो है वो मैक्सिमम है। तो गाइज अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। फाइव। अब क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फाइव इज, फैक्टर्स विच अफेक्ट सैलिनिटी ऑफ ओशन। ठीक है, ये जो पॉइंट्स देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन आर द मेन फैक्टर्स अपॉन विच सैलिनिटी ऑफ सरफेस वाटर ऑफ ओशन डिपेंड्स। सेकेंड इज, विंड डज नॉट इन्फ्लुएंस सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। थर्ड इज, चेंज इन टेम्परेचर और डेंसिटी हैज नो इफेक्ट ऑन सैलिनिटी। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, ओशन करंट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू सैलिनिटी वेरिएशन। तो गाइज अगर हम इसको देखें, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकोरेक्ट। अब हमें ना इसमें ढूंढनी है इनकोरेक्ट स्टेटमेंट। तो अब सभी स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है देखिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन आर द मेन फैक्टर्स अपॉन विच सैलिनिटी ऑफ सरफेस वाटर ऑफ ओशन डिपेंड्स। तो
तो गाइज अगर हम ध्यान से सोचें, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है. रीजन बीइंग कि इवेपोरेशन जब होती है तो वाटर लॉस होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओशन. तो वहाँ से क्या होगा, वाटर कम होगा तो जो कंसंट्रेशन है मिनरल्स की वो बढ़ जाएगी, तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी. अगर उसमें प्रेसिपिटेशन होती है या रेनफॉल होती है तो उससे वाटर जो है वो ऐड हो जाएगा ओशन में, तो सैलिनिटी कम हो जाएगी. इसका मीनिंग ये क्या है कि ये बिल्कुल मेन फैक्टर्स हैं जो कि डिटर्मिन करते हैं सैलिनिटी इन द ओशन. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सेकेंड इज विंड डज नॉट इन्फ्लुएंस सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर. तो गाइज विंड जो है वो बिल्कुल इन्फ्लुएंस करती है सैलिनिटी को, क्योंकि विंड जो है वो सरफेस वाटर जो कि ओशन का है उसको मूव करती है, तो जिसकी वजह से सैलिनिटी भी चेंज होती है. तो ये जो स्टेटमेंट है इट इज इनकोरेक्ट. थर्ड अगर हम देखें, चेंज इन टेम्परेचर और डेंसिटी हैज नो इफेक्ट ऑन सैलिनिटी. तो गाइज दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज टेम्परेचर और जो डेंसिटी है उसका भी सैलिनिटी के ऊपर इम्पैक्ट होता है. अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. तो डेंसिटी जो है ये भी इम्पैक्ट करती है. कैसे, क्योंकि अगर सैलिनिटी ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है. अगर सैलिनिटी कम है तो उसकी डेंसिटी जो वाटर की है वो कम होगी, ठीक है. तो ये भी उसको इम्पैक्ट करती है. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकोरेक्ट. तो लेट्स सी द फोर्थ स्टेटमेंट. ओशन करंट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू सैलिनिटी वेरिएशन. ओके, तो ओशन करंट्स जो हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं सैलिनिटी वेरिएशन में. तो गाइज अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इसमें क्या है कि ओशन में सैलिनिटी है हमें पता है, लेकिन जो ओशन करंट्स हैं, जो मास मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, उसको हम ओशन करंट कहते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक जगह से जो वाटर है दूसरी तरफ मूव करता है, तो जिस जगह पर वो पहुँचेगा तो वहाँ पर वो अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाएगा, तो वहाँ पर जो सैलिनिटी कम हो जाएगी. जहाँ से वो वाटर मूव कर रहा होगा तो वहाँ पे जो सैलिनिटी है वो बढ़ जाएगी. तो गाइज यानी कि ओशन करंट जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट. तो यहाँ पर पूछा गया है इनकोरेक्ट, तो इसका मीनिंग है सेकेंड एंड थर्ड. तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए आपका बी. ओके लेट्स चेक आंसर. तो ये देखिए हियर आंसर इज बी. सो थ्री मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस सैलिनिटी यानी कि साल्ट कंसंट्रेशन पैसिफिक ओशन आर प्रेसिपिटेशन, वेपोरेशन, विंड्स. एंड देन प्रेसिपिटेशन ब्रिंग्स फ्रेश वाटर इन टू द ओशन डाइल्यूटिंग इट्स साल्ट कंसंट्रेशन. तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है, यहाँ से इस पॉइंट से हमें क्लियर हो जाएगा कि वो बिल्कुल उसको इन्फ्लुएंस करती है. देखते हैं ये तो आपके पेज नंबर 112 पे फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशन सैलिनिटी. तो उसमें बिल्कुल क्लियरली मैंशन करा गया है कि सैलिनिटी ऑफ वाटर इन द सर्फेस लेयर ऑफ ओशन डिपेंड मेनली ऑन इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन. सर्फेस सैलिनिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड इन कोस्टल रीजन बाय द फ्रेश वाटर. बिल्कुल अगर कोस्टल रीजन में जो सैलिनिटी है वो कम होगी. वाई? बिकॉज जो रिवर्स हैं वो वाटर जो ऐड करते हैं ओशन में, तो फ्रेश वाटर का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है. विंड देखिए आल्सो इन्फ्लुएंस सैलिनिटी ऑफ एन एरिया बाय ट्रांसफरिंग वाटर टू अदर एरियाज. तो ये भी पॉइंट आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा. एंड ओशन करंट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द सैलिनिटी वेरिएशन. तो जितने भी आपके पॉइंट थे वो इस पैराग्राफ में ऐसे बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगे. तो आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे जितने भी कंसेप्ट हैं इसे आपको बिल्कुल ये क्लियर होना चाहिए कि ऐसे फैक्चुअल पॉइंट्स के ऊपर बिल्कुल यूपीएससी में प्री में क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं. तो गाइज लेट्स डिस्कस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट इज मोर द एवेपोरेशन मोर इज द सैलिनिटी. सेकेंड इज सैलिनिटी वेरिएशन इन पैसिफिक ओशन इज मेनली ड्यू टू इट्स शेप एंड लार्जर एरियल एक्सटेंट. एंड थर्ड इज सैलिनिटी इज वेरी हाई इन ब्लैक सी. फोर्थ स्टेटमेंट इज बे ऑफ बंगाल हैज हायर सैलिनिटी देन अरेबियन सी. तो गाइज ये जो क्वेश्चन है ये कंपेरेटिवली थोड़ा ईजी है. तो देखते हैं यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. तो गाइस हमने इसमें से देखना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. तो लेट्स डिस्कस ऑल द स्टेटमेंट्स वन बाय वन. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज मोर द इवेपोरेशन मोर इज द सैलिनिटी. तो इसका मीनिंग क्या है कि जितना इवेपोरेशन ज़्यादा होगा उतनी सैलिनिटी जो है वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी. तो गाइस ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है. वाई? बिकॉज हमें पता है कि जब इवेपोरेशन होगी तो वाटर लॉस होगा सरफेस से, तो वाटर कम होगा तो मिनरल कंटेंट जो है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, तो यानी कि सैलिनिटी जो है वो बढ़ जाएगी.
Second is salinity variation in Pacific Ocean is mainly due to its shape and larger एरियल extent. तो गाइज क्योंकि उसका जो रीजन है वो बहुत बड़ा है, बहुत सारे उसमें ओशन करंट्स हैं, तो उसकी वजह से उसमें सैलिनिटी वेरिएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. तो अब अगर हम देखें थर्ड स्टेटमेंट, सैलिनिटी इज़ वेरी हाई इन ब्लैक सी. तो गाइज ये एक फैक्चुअल पॉइंट है, ये मैं आपको बता दूँ कि ब्लैक सी में जो सैलिनिटी है वो हाई नहीं है. ओके, ब्लैक सी में जो सैलिनिटी है वो लो है, और हाई किस में है, डेड सी में, जो कि इसराइल एंड जॉर्डन के बॉर्डर पे है. तो डेड सी में क्या है कि उसमें मिनरल कंटेंट ज़्यादा है, जिसमें जैसे कहा जाता है कि उसमें पर्सन डूबता नहीं है, और उसका रीज़न यही है कि उसमें मिनरल कंटेंट यानी कि सैलिनिटी जो है ज़्यादा है. तो ब्लैक सी में सैलिनिटी नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट. एंड इन फोर्थ स्टेटमेंट, बे ऑफ बंगाल हैज़ हायर सैलिनिटी दैन अरेबियन सी. तो गाइस दिस स्टेटमेंट अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसको दोबारा से पढ़ो, बे ऑफ बंगाल हैज हायर सैलिनिटी देन अरेबियन सी, तो गाइस ये स्टेटमेंट तो आपको पता चल गया होगा कि ये इनकोरेक्ट है. और उसका रीज़न ये है कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा रिवर्स जो हैं वो ऐड होती हैं, तो ड्यू टू द कॉन्टीन्यूस एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर, तो यहाँ पर सैलिनिटी कम है ना कि ज़्यादा. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकोरेक्ट. तो गाइज अब यहाँ पर अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें, तो करेक्ट स्टेटमेंट इज वन एंड टू. सो योर आंसर शुड बी ए, योर आंसर शुड बी ए, दैट इज वन एंड टू ओनली, बिकॉज थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट. चेक द आंसर, देखिए आंसर इज ए. ओके, सो वेपोरेशन ऑफ ओशन वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ सी आइस बोथ इंक्रीज द सैलिनिटी ऑफ द ओशन. सो हाउ एवर दीज सैलिनिटी रेजिंग फैक्टर्स आर कॉन्टिन्यूली काउंटर बैलेंस बाई प्रोसेस दैट डिक्रीज सैलिनिटी. तो यानी कि सैलिनिटी जो है इसमें एक बैलेंस बना रहता है. कैसे, क्योंकि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सैलिनिटी को इंक्रीज करते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको डिक्रीज करते हैं, तो उसमें एक बैलेंस बना रहता है. ओके, तो देखते हैं इसमें, ये देखिए पेज नंबर 113, तो इसमें ये यहाँ पर बिल्कुल एक्सप्लेन करा गया है. तो यहाँ पर डिफरेंट सीज की बात करेंगे कि नॉर्थ सी जो है, देखिए इन स्पाइट ऑफ इट्स लोकेशन इन हायर लैटिट्यूड रिकॉर्ड हायर सैलिनिटी ड्यू टू मोर सेलाइन वाटर ब्रॉट बाई द नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट. तो ये जो नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये एक ओशन करंट है, और ये इसकी वजह से यहाँ पर जो सेलाइन वाटर है आता है. तो नॉर्थ सी में जो सैलिनिटी है वो हाई होती है, बाल्टिक सी में लो सैलिनिटी है, जबकि ये नॉर्थ सी के पास ही है. इवन देन इट हैज़ लो सैलिनिटी बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स फ्लो इन टू दिस सी. ओके, तो इसी तरह मेडिटेरियन की बात करें तो यहाँ पर हाई सैलिनिटी है. उसका रीजन जो रीजन है वो क्या है, मेडिटेरियन क्लाइमेट की वहाँ पर जो थोड़ा टेम्परेचर हाई रहता है, हाई वेपोरेशन होती है, तो यहाँ पर हाई सैलिनिटी रहेगी. तो इसी तरह ये देखिए वेरी लो इन ब्लैक सी. तो आपकी ये थर्ड स्टेटमेंट आपको क्लियर हो जाएगी. तो गाइज ये यहाँ पर देखिए बे ऑफ बंगाल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लो सैलिनिटी होनी चाहिए ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर. आई होप कि आपको ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे. ठीक है, तो यहाँ से आपको बिल्कुल ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा. चलते हैं नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो गाइस फर्स्ट स्टेटमेंट इज सैलिनिटी एट द सरफेस इज फिक्स्ड. सेकंड स्टेटमेंट इज हायर सैलिनिटी वाटर रेस्ट ओवर लोअर सैलिनिटी वाटर. एंड थर्ड इज हेलोक्लाइन इज अ डिस्टिंक्ट जोन वेयर सैलिनिटी इंक्रीजेस शार्पली. तो क्या पूछा गया है, विच ऑफ दी अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. तो अब देखिए, अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. ओके, तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर क्या लिखा है, सैलिनिटी एट द सरफेस इज फिक्स्ड. तो गाइस अभी हमने ऑलरेडी जो पहले हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उसमें हमने डिस्कस कराया है कि जो सरफेस वाटर है ओशन का वो तो मूव कर रहा है. अगर वो मूव कर रहा है तो सैलिनिटी जो है वो फिक्स नहीं रह सकती. वो कभी कम होगी, ज़्यादा होगी, कभी वेपोरेशन होगी, कभी रेनफॉल होगी, कभी रिवर्स ऐड हो गई. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, वो फिक्स नहीं होगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट. ओके, एंड इफ यू कंसीडर द सेकंड स्टेटमेंट, हायर सैलिनिटी वाटर रेस्ट ओवर लोअर सैलिनिटी वाटर. तो गाइस इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से समझिए, हायर सैलिनिटी वाटर रेस्ट ओवर लोअर सैलिनिटी वाटर. तो दिस स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं. दिस स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट, रीजन बींग जब हायर सैलिनिटी होगी तो उस वाटर की जो डेंसिटी है वो हाई होती है. हायर सैलिनिटी हाई डेंसिटी, तो वो जो हाईली डेंस वाटर है वो नीचे सेटल होने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो इसका मीनिंग है कि जो बॉटम पे रहेगा वो हायर सैलिनिटी वाटर होगा और उसके ऊपर लोअर सैलिनिटी वाटर रेस्ट करेगा. लेकिन यहाँ पर ये उन्होंने
रिवर्स कर दिया स्टेटमेंट, यहाँ पर उल्टा कर दिया है ये देखिए, तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकोरेक्ट है। ओके तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि लोअर सैलिनिटी वाटर रेस्ट ओवर द हाई सैलिनिटी वाटर, तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर इनकोरेक्ट। तो थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, हेलोक्लाइन इज अ डिस्टिंक्ट जोन वेयर सैलिनिटी इंक्रीजेज शार्पली, तो गाइस ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज जो हेलोक्लाइन होता है ये एक डिस्टिंक्ट जोन होता है जहाँ से जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज करती है, शार्पली इंक्रीज करती है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो दिस शुड बी द आंसर, ऑप्शन सी, तो जिसमें लिखा है थ्री ओनली, बिकॉज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके तो फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए सी। नेक्स्ट देख लिए, ये देखिए आंसर यहाँ पर दिया गया है सी। तो हेलोक्लाइन क्या होता है, इट इज अ सब टाइप ऑफ कीमोक्लाइन कॉज बाय स्ट्रॉन्ग वर्टिकल सैलिनिटी ग्रेडियंट विद इन अ वाटर बॉडी, तो वाटर बॉडी है उसकी पर्टिकुलर डेप्थ पे जाके वहां से शार्प इंक्रीज होगा, ठीक है, बिकॉज सैलिनिटी अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ सी वाटर, इट कैन प्ले अ रोल इन इट्स वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन। तो क्योंकि हमें सैलिनिटी से पता चल जाता है कि उसकी जो डेंसिटी है, अगर सैलिनिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ये उसमें एक स्ट्रेटिफिकेशन कर देगी वाटर में, कि जो डेंस वाटर है हाई सैलिनिटी वो नीचे है, उसके ऊपर जो है वो लो सैलिनिटी वाटर है, उसमें एक स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि स्ट्रेटिफिकेशन का मीनिंग होता है कि उसमें लेयर्स बन जाएंगी। ओके उसमें लेयर्स बन जाएंगी। तो ये देखिए आपके पेज नंबर 114 पे, ये बिल्कुल यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे, ये देखिए डिस्टिंक्ट जोन कॉल्ड द हेलो क्लाइन, तो ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली मैंशन है, तो इसको आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। तो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेव्स आर वाटर ओनली दैट मूव्स अक्रॉस द ओशन सरफेस, तो यहाँ पर वेव्स की बात करी गई है। सेकंड इज वाटर्स ऑफ ओशन बॉटम आर अफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ दिस सरफेस वाटर। ओके थर्ड इज फ्रिक्शन बिटवीन सी फ्लोर एंड वाटर स्लोज डाउन द वेव। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज When depth of water is less than half the wavelength of wave, the wave breaks. Okay, तो guys यहाँ पर क्या पूछा गया है, which of the above statements is are incorrect. तो अब इसमें option है A, B, C, D, तो देखते हैं इसमें से कौन सी incorrect है। तो guys अगर हम देखें first statement, तो इसमें देखिए क्या है, अब यहां पर है वेव्स आर वाटर ओनली दैट मूव्स अक्रॉस द ओशन सरफेस, सो गाइस दिस स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट एंड द रीजन फॉर दैट इज यहां पर दिया गया है वेव्स आर वाटर, तो वो वाटर नहीं मूव करता, वो एनर्जी होती है, जो वेव्स होती है जो उसमें वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है सेम प्लेस पे, उसमें एनर्जी जो है वो फर्दर मूव करती है, जो कि रिपल्स क्रिएट करती है किसमें, वाटर में। Then is water of ocean bottom are affected by the motion of the surface water. तो guys अगर हम इस statement की बात करें तो जो bottom पे, जो ocean bottom पे water होता है उसके ऊपर surface wave का ज़्यादा जो impact है वो नहीं पड़ता, it remain unaffected. So it means कि this statement, second statement is also incorrect. ठीक है, third statement is friction between sea floor and water slows down the wave. तो अगर second statement जो है वो incorrect है तो ये automatically incorrect हो जाएगी, because फ्रिक्शन बिटवीन द सी फ्लोर एंड वाटर स्लोज डाउन द वेव, तो इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होती बिकॉज कि जो बॉटम वाटर होता है वो इट रिमेन अनअफेक्टेड, तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर ऑल्सो इनकोरेक्ट। तो गाइज वेन डेप्थ ऑफ वाटर इज लेस देन हाफ द वेव लेंथ ऑफ वेव, द वेव ब्रेक्स, तो गाइज ये एक पर्टिकुलर एक फैक्चुअल पॉइंट है, तो जो कि बिल्कुल सही है कि जो डेप्थ ऑफ वाटर जो है अगर वो वेव लेंथ से कम है, उसके हाफ से कम है, तो वेव जो है वो ब्रेक हो जाएगी, सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो गाइस अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर इनकोरेक्ट, तो गाइस फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट आर इनकोरेक्ट, इट मींस द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इज नंबर 4, सो हेयर आंसर शुड बी सी, बिकॉज फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर इनकोरेक्ट। तो लेट्स चेक द आंसर, तो हेयर आंसर इज सी। ओके तो आंसर सी बिल्कुल सही है। देखिए द वेव फॉर्मेशन मैकेनिज्म, ये देखिए जब यहाँ पर विंड जो है वो एक्ट करती है, ये जो विंड जो है इसको मूव करती है, तो ये जो एनर्जी होती है इट इज नॉट वाटर, तो वाटर जो है वहीं पर प्रेजेंट होता है, तो ये उसमें ये रिपल्स क्रिएट कर देगी, और जो नीचे सरफेस पे जो वाटर होगा इट रिमेन अनअफेक्टेड, उसमें इतना ज्यादा
इम्पैक्ट जो है वो नहीं रहेगा, तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। ओके गाइस, आई होप कि इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये विंड जो है ये इसके ऊपर एक्ट कर रही है, तो ऐसे वेव्स क्रिएट होंगी, लेकिन इट विल बी मेयर एनर्जी नॉट वाटर। ये तो गाइस ये पेज नंबर 116 में, ये जो आपका चैप्टर है ये चैप्टर 13 है, बिल्कुल उसके साथ वाला चैप्टर है, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, जिसमें वेव्स की बात करी गई है। तो ये देखिए वेव्स आर एक्चुअली द एनर्जी नॉट द वाटर एज सच विच मूव्स अक्रॉस द ओशन सरफेस। तो इस पैराग्राफ में आपको सारे पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो विंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द वेव, विंड कॉजेज वेव टू ट्रेवल इन द ओशन। तो इसमें ए टू जेड ये आपका जो जितना भी कंसेप्ट है आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो गाइज ये जो स्टेट क्वेश्चन है ये कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है, तो इसमें सिंपली डेफिनेशंस दी गई हैं, तो आपको बिल्कुल चेक करना है कि ये सही है या गलत है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ ए वेव आर कॉल्ड ट्रफ एंड क्रेस्ट रिस्पेक्टिवली। सेकेंड इज वेव हाइट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्रफ टू द टॉप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ वेव। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज वेव स्पीड इज द रेट एट विच वेव मूव्स थ्रू द वॉटर। एंड फोर्थ इज वेव फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव पासिंग ए गिवन पॉइंट ड्यूरिंग 1 second इंटरवल। तो गाइज हेयर इज आस्क्ड विच ऑफ द वर्ब स्टेटमेंट इज आर इनकोरेक्ट। So we have to find out incorrect statements. So let's find out. First statement is highest and lowest. Highest and lowest points of a wave are called trough and crest respectively. Okay. So guys, this statement is incorrect. Reason being कि यहाँ पर ये जो trough and crest है उसको extend कर दिया गया है. तो highest point जो है उसको crest कहते हैं. The lowest point is known as trough. ठीक है, तो जो लोएस्ट पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। तो ये देखिए वेव हाइट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ द ट्रफ टू द टॉप ऑफ क्रेस्ट ऑफ वेव। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि जो वर्टिकल डिस्टेंस है हम वेव किसको कहते हैं कि जो बॉटम ऑफ ट्रफ है वहां से लेके जो क्रेस्ट के टॉप है वहां वो जो हाइट है उसको हम वेव हाइट कहते हैं। देन इज गाइज ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नेक्स्ट डायग्राम है उसमें आपको बिल्कुल मैं समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। थर्ड इज वेव स्पीड इज द रेट एट विच वेव्स मूव्स थ्रू द वाटर। तो गाइज वो कि जितनी स्पीड से वो वाटर में मूव कर रही है वेव, कितना वो ट्रेवल कर रही है, तो उसको हम वेव स्पीड कहते हैं, कितने रेट पे वो मूव कर रही है। एंड दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड आफ्टर दैट फोर्थ स्टेटमेंट इज वेव फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग गिवन पॉइंट ड्यूरिंग 1 second इंटरवल। तो पर सेकेंड किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव्स पास करनी उसको हम वेव फ्रिक्वेंसी करते हैं कहते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो गाइज अब अगर हम देखें करेक्ट स्टेटमेंट, तो सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर एब्सोल्यूटली करेक्ट एंड इन करेक्ट स्टेटमेंट इज फर्स्ट ओनली। तो हेयर आंसर शुड बी ए। तो गाइज हेयर देखिए आंसर इज ए। तो इस डायग्राम में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये नीचे क्या है, ये ट्रफ है एंड दिस इज क्रेस्ट। तो वेव हाइट क्या होगी, ये क्रेस्ट की यहाँ पर टॉप पॉइंट से लेके ट्रफ के बॉटम तक ये जो है ये वेव हाइट है, और एक क्रेस्ट के टॉप से लेके यानी कि बिल्कुल यहाँ से लेके ये देखिए सेकंड जो क्रेस्ट है उसके यहाँ सेंटर तक ये जो है ये वेव लेंथ है। तो गाइस ये रही वेव लेंथ, ये है वेव हाइट। तो वेव डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल अगर इस साइड को ये ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर वेव फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, नंबर ऑफ वेव्स क्रेस्ट पासिंग पॉइंट ए ईच सेकेंड। सपोज ये पॉइंट है ए पॉइंट है, तो यहां से जितने भी ये जो क्रेस्ट हैं ऐसे इस स्ट्रक्चर के कितने पास हो रहे हैं पर सेकेंड ए से, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेव फ्रीक्वेंसी। ओके, सो वेव पीरियड क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वेव क्रेस्ट एट पॉइंट ए टू रीच पॉइंट बी, तो उसको हम वेव पीरियड कह देंगे, ठीक है। तो ये वेव पीरियड इसमें हमारे क्वेश्चन में नहीं था, तो ये तो हमने वेव जो स्पीड थी उसको डिस्कस करा था। तो ये हो गया आपका वेव पीरियड। तो गाइज आई होप कि आपको यहाँ से बिल्कुल ये क्या होगा। तो ये देखिए आपका जो पेज नंबर 117 है, तो देखिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स हैं, तो सारे के सारे यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है क्लियरली मैंशन है। तो आपको ये सारे फैक्चुअल पॉइंट याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें से किसी पे भी आपको यूपीएससी के प्री में जो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो गाइज आई
होप कि आपको जो आज का टॉपिक है वो आपको समझ आ गया होगा, आपके आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ आ गए होंगे. ओके, तो वीडियो के साथ आपको जो पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसमें से आप दोबारा देख के इसको स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं. तो गाइस टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू.